नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड विश्व का, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया की साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में बताओ। चलो तो The great sages of ancient India have gifted invaluable heritage to the science to the world. कि भाई बहुत ही इंडिया के जो सेजेस थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इनवैल्यूएबल गिफ्ट दी है। ओके, देन दे हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ मेटलर्जी, जो कल हमने देख लिया था ऑलरेडी। ओके, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, ये तीन हमने देखा था। सर्जन आज देखा वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु शास्त्र। तो ये सब में ये फील्ड का नाम ही रखना है सिर्फ तुम्हें, क्या कि भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस, ओके, और वो वास्तु शास्त्र, ओके, सब में, और उसमें भी मेडिसिन में भी, फिर वो एनिमल के लिए भी, ओके, क्या था वो अश्व शास्त्र, ओके, घोड़ों के लिए, हस्ती शास्त्र एलिफेंट के लिए, वो सब भी था। ओके, वही चीज लिखनी है। इंडियाज एंशिएंट नॉलेज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड विद ग्रेटिट्यूड। तो अब यहाँ पे सब जनरल जनरल पॉइंट ही है। ओके, सब कुछ नया कुछ नहीं है ये आंसर में, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से लिखना है कि भाई हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है उसको पूरे वर्ल्ड ने बहुत ही ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट किया है कि यार कहना पड़ेगा लाइक दैट। ओके, अच्छे बिहेवियर से एक्सेप्ट किया है। इंडियाज ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज रेयरली विटनेस्ड इन एनी अदर कंट्री ऑफ द इंडिया। मतलब कि इंडिया में जो ब्लेंड हो रहा है, ब्लेंड मतलब मिक्स हो रहा है, किस चीज का मिक्स हो रहा है, साइंस एंड रिलीजन, मतलब हम भगवान को भी मानते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं और साइंस को भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब सिर्फ श्रद्धा में मानते हैं और साइंस में नहीं मानते। ओके, कि मतलब अंधश्रद्धा में नहीं है हम, ऐसे हम श्रद्धा में भी मानते हैं, फेथ, रिलीजियन में भी मानते हैं, स्पिरिचुअली तो बात ही अलग है, बट रिलीजियन ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ साइंस में मानते हैं और रिलीजियन में कम मानते हैं, दोनों का अच्छा खासा ब्लेंडिंग है। एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज भी है और प्रैक्टिकल भी है, मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज के भाई ये हमारा कल्चर है, ओ भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज भी है, आइडियोलॉजी, एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो भी हमने सब पढ़े तो उसमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज से बताया गया है कि भाई ये पर्टिकुलर तुम इसकी मेटल की ऐश ले लोगे तो तुम यहाँ यूज कर सकते हो, ये हर्ब्स था 2000 हर्ब्स बताए थे। ओके, तो ये सब हर्ब्स है, तो मतलब प्रैक्टिकल है, ओनली थियोरी नहीं है, तो वही चीज बता रहे हैं। तो ये रेयरली देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, ऐसी दूसरी कोई कंट्री नहीं है जहां पर इतना ज्यादा ब्लेंडिंग हुआ हो साइंस एंड रिलीजियन और से प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसका। कहीं ना कहीं बाकी सारी कंट्रीज में कोई एक को ज्यादा मान लिया जाता है कि भाई फेथ को ज्यादा मान लिया, साइंस और वो सब में नहीं मान रहा, या साइंस को ज्यादा मान लिया, भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, लाइक दैट। बट ऐसा खतरनाक वाला ब्लेंडिंग रेयरली सीन इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द इंडियन हेरिटेज इज द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द वर्ल्ड इन जनरल एंड वेस्टर्न कंट्रीज इन पर्टिकुलर। तो मतलब अगर देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या कि जो इन जनरल बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड की जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस का बेस है क्या, इंडियन हेरिटेज। ओके, हमारा जो इंडियन हेरिटेज है वो वर्ल्ड की प्रोग्रेस है, उसका बेस है। अगर इंडिया ने ये हेरिटेज ना दिया हुआ होता, ये सब कुछ लिटरेरी हेरिटेज और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेरिटेज, ये कुछ भी नहीं दिया होता हमें, तो वर्ल्ड की प्रोग्रेस नहीं होती। और वर्ल्ड की तो नहीं होती, पर्टिकुलरली मतलब पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ओके, जो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, सब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो रशिया भी, उसको भी हम बोलेंगे, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो डेवलपमेंट किया है
वहां के साइंटिस्ट एंड ऑल, तो उनके लिए भी बेस का काम किसने किया है? इंडिया के नॉलेज और इंडिया के साइंटिस्ट ने किया है। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट, मतलब ये क्वेश्चन में सारे ही जनरल पॉइंट्स थे, राइट अबाउट साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसमें सारे जनरल पॉइंट ही लिखने हैं, नया कुछ नहीं था इसमें। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके।